अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अवैस शहजाद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वैली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, चैप्टर 15 क्लास 12 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट? राइट टू मेथड टू प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टूडेंट, मोस्टली ये क्वेश्चन एक ही आता है, मैंने दो बनाए लेकिन ये एक ही आता है। डिफाइन मोशनल ईएमएफ, डिफाइन फैराडे ला, डिफाइन लेंजेस ला, डिफाइन हेनरी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बोर्ड के मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स? व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन जो है लॉन्ग के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैंने एक्सरसाइज में से निकाले हैं, जो स्मार्ट सिलेबस में आपके शामिल थे। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट? सेकेंड पार्ट इसका, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस? अ स्क्वेयर लूप ऑफ अ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप? गिव द रीजन टू योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सर्किट? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 14 ये काफी दफा रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ अ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देर इज नो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप? क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन द प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपने इसको डायमेंशनली डायमेंशंस के हवाले से प्रूफ करना है। शो दैट ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू चेंज द बोथ द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थे जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, यानी कि जो बोर्ड ने आपको स्मार्ट सिलेबस दिया था उसमें से। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपके बोर्ड के अंदर जो है वो 70-30% या 65-35% चांसेस है, यानी कि 65% चांसेस है एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे, 35% है कि आपके चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो आपने एक्सरसाइज को भी फोकस करना है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना और गिरदोनवाह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।